बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद शहरियार। स्टूडेंट्स, हम अपनी एक्सरसाइज 2.1 कर रहे हैं, जिसके फर्स्ट सेवन क्वेश्चंस हमने देख लिए हैं अपने प्रीवियस लेक्चर तक। ठीक है, आज हम जो है वो अपना क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिएगा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है जी, What is the number of elements? What is the number of elements? यानी कि एलिमेंट्स की तादाद बतानी है हमने, किसकी? ऑफ द पावर सेट ऑफ ऑफ द पावर सेट ऑफ ऑफ द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। Each of the following sets. तो देखिएगा स्टूडेंट्स, का फर्स्ट पार्ट जो है वो हमारे पास क्या है। फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है जस्ट एम्प्टी सेट, खाली सेट इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अगर हमने पावर सेट की तादाद बतानी हो, हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं इसके पावर सेट के, इस सेट के पावर सेट के। मैंने बताया था पावर सेट के एलिमेंट्स की तादाद कैसे फाइंड करते हैं, 2 की पावर। अगर इसके पावर सेट की बात कर रहे हैं ना, तो क्या आ जाएगा? पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट, या ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें। ठीक है, ये क्या होगा हमारे पास, ये होगी 2 की पावर। इसके एलिमेंट्स कितने इसके अंदर? 0। तो इसका मतलब 2 की पावर 0 एलिमेंट्स होंगे इसकी पावर सेट में। तो किसी चीज की पावर 0 क्या होती है? 1। इसका मतलब इसके पावर सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा। क्लियर है? यानी कि पावर सेट में एक एलिमेंट होने का मतलब कि इसका सिर्फ एक ही सबसेट होगा खाली सेट का, और वो ये खुद ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर सेकेंड पार्ट की बात करें तो सेकेंड पार्ट हमारे पास क्या है। सेकेंड पार्ट में लिखा हुआ है 01। 01 एक सेट लिखा हुआ है, और कहा गया कि इसके पावर सेट की जो है वो, इसके पावर सेट के कितने एलिमेंट्स होंगे। तो क्या करेंगे सिंपल, आप जो है इसके पावर सेट के जो है 01 के 2 की पावर कितने एलिमेंट्स है? 2। तो ये 4 आ जाएगा, 4 सबसेट्स होंगे इस सेट के 01 के। क्लियर है, समझ आ रही स्टूडेंट्स के? नहीं, ये हमारा सेकंड पार्ट था। नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखिएगा, थर्ड पार्ट में उसने लिखा सेट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कहते हैं इस सेट के पावर सेट की जो है उसका ऑर्डर कितना होगा। ये भी सारे ऑर्डर निकाल रहे हैं हम पावर सेट के, ऑर्डर का मतलब उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये 1, 2, 3, 4 अप टू 7 तक जाएगा। इस सेट के पावर सेट की जो ऑर्डर है वो 2 की पावर 7 हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर 7 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और 2 की पावर 7 का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 2 को 7 दफा मल्टीप्लाई करवाना, विच इज इक्वल टू 100 एंड 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 32 अगेन 2 64 64 2 128। इसके अंदर 128 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, इसी तरह ही आपने बाकी जो स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट में आपको करवा देता हूं, बाकी आप लोगों ने खुद ही कर लेने। इसी तरह लास्ट पार्ट, सिक्स्थ पार्ट है हमारे पास, वो क्या है, उसमें आपके पास ए बी, बी सी और डी ई, कितने एलिमेंट्स पड़े हैं इसके अंदर? 1, 2, 3, ना के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 एलिमेंट्स नहीं है इसके अंदर। कितने एलिमेंट्स हैं? 3। तो फिर इसके पावर सेट का ऑर्डर क्या हो जाएगा? ए बी, बी सी और डी ई, इसके पावर सेट का ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारे पास? 2 की पावर 3, विच इज इक्वल टू 8। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप किसी भी सेट के पावर सेट की जो है वो तादाद या उसका ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर
8। नेक्स्ट देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 9 में कहते हैं राइट डाउन द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। राइट डाउन द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ठीक है, तो पहले हमने पिछले क्वेश्चन में पावर सेट के एलिमेंट्स की तादाद फाइंड करनी देखी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हम जो है पावर सेट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो पहला पार्ट देखिएगा इसका। पहला पार्ट है जी हमारे पास 9 और 11। स्टूडेंट्स 9 और 11 के हमने पावर सेट्स फाइंड आउट करने। पावर सेट क्या होता है? एक ऐसा सेट, अगर मैं उसको दोबारा जो है रिकॉल करूं, जिसमें तमाम पॉसिबल सबसेट्स होते हैं जिस सेट का पावर सेट फाइंड कर रहे हैं। यानी कि अगर इसका पावर सेट फाइंड करना है तो इसके तमाम पॉसिबल सबसेट्स आप उसके अंदर आपके पड़े हो, तो क्या आएगा इसका सॉल्यूशन देखिएगा। पावर सेट ऑफ 9 11 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा इसमें? पहले तो एम्प्टी सेट, आपको पता है एम्प्टी सेट हर एक का सबसेट होता है। उसके बाद ये 9 11 खुद आ जाएगा, हर सेट अपने आप का इम्प्रॉपर सबसेट होता है। ठीक है, तो यानी कि हर सेट के एक प्रॉपर और एक इम्प्रॉपर सबसेट लाजमी होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जी, 9 भी इसका एक सबसेट होगा और 11 भी इसका एक सबसेट होगा, इसके अलावा और कोई भी इसका सबसेट नहीं होगा। अगर आपने इसके सबसेट की तादाद फाइंड आउट करनी है तो वो क्या होती है, 2 की पावर कितने एलिमेंट्स, 2 विच इज इक्वल टू 4। तो 1 2 3 4 आ गए ना हमारे पास पावर सेट में एलिमेंट। क्लियर है? तो ये था जी 9 और 11 की हमने पावर सेट फाइंड आउट कर लिया। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम जो है क्वेश्चन नंबर 2 देखें, इसका सेकंड पार्ट, उसमें उन्होंने लिखा प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, इसका अगर हमने पावर सेट फाइंड आउट करना हो तो ये इक्वल टू होगा, एक तो एम्प्टी सेट, एक ये खुद आ जाएगा प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। अब देखें, पहले अकेले अकेले को लिख ले, वो सारे भी इसके सबसेट होंगे, यानी कि प्लस फिर माइनस फिर मल्टीप्लाई फिर डिवाइड, पहले सारे हमने अकेले अकेले लिख लिए। अब जोड़े जोड़े बना के लिख ले कि प्लस माइनस फिर प्लस मल्टीप्लाई फिर प्लस डिवाइड, क्या आ जाएगा? प्लस कॉमा माइनस फिर प्लस कॉमा मल्टीप्लाई फिर प्लस कॉमा डिवाइड। प्लस के सबके साथ जोड़े बन गए, अब माइनस के जोड़े बना दे, माइनस प्लस जब करेंगे वो तो बड़ा हुआ है, प्लस माइनस वो एक ही चीज होती है सेट में, फिर माइनस मल्टीप्लाई फिर माइनस डिवाइड, माइनस के भी सभी के साथ जोड़े बन गए, अब मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब दो दो वाले भी सारे पूरे हो गए, अब तीन तीन वाले बना लें, प्लस माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस मल्टीप्लाई फिर प्लस माइनस डिवाइड प्लस माइनस डिवाइड, फिर क्या आएगा? प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है जी, फिर क्या आएगा? माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। स्टूडेंट्स पहले देखिए कितने एलिमेंट्स इसके अंदर, 1 2 3 4, मतलब 2 की पावर 4, वो क्या होती है 16। 16 इसके पावर सेट्स के एलिमेंट्स होंगे, तो कितने हैं, 1 2 3 4 5
सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह। ले दी, ये हमने इसका पावर सेट फाइंड आउट कर दिया। क्लियर है? अगर आपको ये क्लियर है ना तो नेक्स्ट टू आपके लिए बहुत ही आसान होंगे। ठीक है जी, तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट टू पार्ट आप लोगों ने इसके खुद कर लेने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इस तरह से आप किसी भी सेट के जो है वो पावर सेट फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है जी, विच पेयर ऑफ सेट्स आर इक्विवेलेंट, विच पेयर ऑफ सेट्स आर इक्विवेलेंट, विच ऑफ देम आर ऑल्सो इक्वल, विच ऑफ देम आर ऑल्सो इक्वल। जी हमने बताना है कि कौन कौन से इनमें से इक्विवेलेंट है, सिर्फ इक्विवेलेंट, और कौन कौन से इक्वल भी है। आपको पता है अगर इक्वल है तो इक्विवेलेंट तो होंगे ही ना। ये बताना है कि कौन कौन से इक्विवेलेंट अकेले हैं और कौन कौन से इक्वल भी हैं। तो फर्स्ट मैं यहां पे लिख रहा हूं ए बी सी, और 1 2 3 ये दो सेट मैंने लिख दिए। इक्विवेलेंट की डेफिनेशन और इक्वल की डेफिनेशन में दोबारा निकाल कर रहा हूं। टू सेट्स इज सेट टू बी इक्वल इफ दे कंटेन सेम एलिमेंट्स, अगर वो सेम एलिमेंट्स रखते होंगे तो इक्वल होंगे। टू सेट्स सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ दे कंटेन सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर उनके एलिमेंट्स की तादाद सेम है तो वो इक्विवेलेंट होंगे, अगर वो सेम एलिमेंट्स रखते होंगे तो वो इक्वल होंगे। ठीक है, और आप लोगों को ये भी पता है हर इक्वल सेट इक्विवेलेंट लाजमी होता है, लेकिन हर इक्विवेलेंट जरूरी नहीं इक्वल हो। तो देखिएगा इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3। इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3। तो ये इक्विवेलेंट तो होंगे लेकिन ये इक्वल नहीं होंगे क्योंकि यहां पे ए है यहां पे नहीं मौजूद। ठीक है ना, तो ये सेट इक्विवेलेंट तो जरूर होंगे लेकिन इक्वल नहीं होंगे। इक्वल क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ये ए इसके अंदर नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, और अगर इधर 1 है तो इधर भी होना चाहिए, यानी कि एलिमेंट सेम होते फिर इक्वल थे। ठीक है, तो ये सेट हमारे पास क्या आ जाएंगे, इक्विवेलेंट होंगे। ठीक है, इसी तरह ही सेट ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर्स लिखा हुआ है जी सेकंड पार्ट में, सेट ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर्स। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, फर्स्ट 10 होल नंबर, एक सेट ये दे दिया और दूसरा दे दिया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब देखिएगा सेट ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर्स क्या होते हैं, यही नहीं होते 0 से लेकर 9 तक। ठीक है, इसका मतलब सेम एलिमेंट्स है दोनों सेट्स में, तो ये सेट्स कौन से क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि अगर इक्वल हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली इक्विवेलेंट भी हो जाएंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो ये हमने दो पार्ट कर ली। इसका अगर हम थर्ड पार्ट देखें, थर्ड पार्ट में कहता है जी सेट ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, सेट ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी और सेट ऑफ साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, यानी कि एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, ठीक है, उसकी एंगल्स कितने होंगे, 4 होंगे। क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल होते हैं, 4 साइड होती हैं, लेकिन एंगल इज नॉट इक्वल टू साइड, इसका मतलब एलिमेंट्स तो ये सेम नहीं लगते लेकिन इनके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, 4 ही एंगल है इसके अंदर, 4 ही साइड है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि ये इक्विवेलेंट तो है ये लेकिन इक्वल नहीं है, तो इसको आप लिख देंगे इक्विवेलेंट। नेक्स्ट जो है फोर्थ पार्ट, उसमें वो सेम है, उसमें जो हेक्सागोन कह दिया गया है, ठीक है, हेक्सागोन है
इसके छह कोने होते हैं और छह साइड होती है, तो ऑब्वियसली छह कोने और छह साइड है, वो साइड और एंगल सेम तो नहीं ना होते, तो अब वो इक्वल तो नहीं होंगे लेकिन इक्वलेंट होंगे क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है उसके, ठीक है, वो आप लोग खुद देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, इसका फिफ्थ पार्ट आगे देखिएगा, फिफ्थ पार्ट में वो कहता है जी 1 2 3 4 अप टू 4 इस तरह, और दूसरा साइड लिखा 2 4 6 8 अप टू 4। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, ये सेम एलिमेंट्स नहीं रखते दोनों से, ये 1 है तो इधर 1 मौजूद नहीं है, अगर इधर 3 है तो इधर 3 मौजूद नहीं, सेम एलिमेंट्स नहीं रखते, इसका मतलब ये इक्वल तो नहीं होंगे, लेकिन ये इक्वलेंट होंगे कैसे, ये देखिए 1 के बदले 2 के बदले इधर 4 और 3 के बदले इधर 6 4 के बदले 8 अप टू 10 आपको हर एलिमेंट के बदले कोई ना कोई एलिमेंट मिलता जाएगा क्योंकि वो भी इन्फिनिट है, वो भी इन्फिनिट है, इसका मतलब ये इक्वल तो नहीं है लेकिन इक्वलेंट है, तो इसको भी आप लिख देंगे कि ये इक्वलेंट है। नेक्स्ट अगर हम इसका देखें सिक्स पार्ट, तो इसका सिक्स पार्ट अगर आप लोग खुद ही देखें उस वो दोनों सेट इन्फिनिट है, इसी तरह उनकी करेस्पॉन्डेंस आपस में बन जाएगी, दो इन्फिनिट सेट इक्वलेंट होते हैं लेकिन इक्वल नहीं होते जब तक वो सेम एलिमेंट्स कंटेन ना करें, यानी कि नेचुरल नंबर और रैशनल नंबर्स ये इक्वलेंट होते हैं लेकिन नेचुरल नंबर के ही इक्वल आएगा, रैशनल के इक्वल नहीं होता, ठीक है। तो दो इन्फिनिट सेट इक्वलेंट हो सकते हैं लेकिन इक्वल कब होंगे, जब वो सेम होंगे, क्लियर है स्टूडेंट्स। तो अगला पार्ट आप लोग इसी तरह खुद ही देख लीजिएगा, वो इक्वलेंट है लेकिन इक्वल नहीं है। और लास्ट पार्ट जो है आपका सेवन, उसमें हमारे पास 5 10 15 एक सेट है 5 10 15 अप टू 1 2 3 4 पेंटा 5 1 2 3 4 5 एक ये सेट है और दूसरा क्या है 5 10 15 अप टू 4। अब गौर कीजिएगा इस सेट के एलिमेंट्स की तादाद यहां तक आके स्टॉप हो जाती है लेकिन इस सेट के एलिमेंट्स की तादाद स्टॉप नहीं हो रही बल्कि इससे आगे भी उसके अंदर एलिमेंट्स पड़े हैं, तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम नहीं है ना, उसकी तादाद यहां तक है और इसकी इन्फिनिट है, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों सेट इक्विवेलेंट नहीं है और इक्वल भी नहीं है। इक्वल क्यों नहीं है, यहां तक तो इनके एलिमेंट्स इस तरह सेम आते जाएंगे लेकिन जैसे ही इससे अगला एलिमेंट आएगा इस सेट में वो तो इधर पड़ा ही नहीं है, इसका मतलब ये इक्वल भी नहीं है, तो आप कह देंगे नॉट इक्विवेलेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप सो कि आप लोगों को इसकी बहुत अच्छे से समझ आई होगी, फिर भी अगर कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह उसका आपको जरूर आंसर करूंगा, ठीक है। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।